हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कलाकार रहे जो सीमित समय के लिए नजर आए लेकिन याद रह गए। उन्होंने कम काम किया लेकिन उतना भर उनकी पहचान बनने के लिए काफी रहा। आज हम ऐसी ही कुछ अदाकाराओं को याद करेंगे। इन्होंने एक आध फिल्म ही की, इन फिल्मों से उनकी पहचान भी बनी लेकिन आगे अपना फिल्मी करियर कंटिन्यू नहीं किया। हमारी लिस्ट में पहला नाम है गायत्री जोशी का। आपको यदि इनका नाम याद नहीं तो याद दिला देते हैं। शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश देखी है आपने, इसमें उनके ऑपोजिट गीता का रोल गायत्री ने ही निभाया है। उनके काम को सराहा भी गया। स्वदेश आई 2004 में, अगले ही साल 2005 में बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से गायत्री ने शादी कर ली और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राज पिक्चर देखी है? जरूर देखी होगी। भयानक भूत ही पिक्चर, इसमें डीनो मोरेया और विपाशा बासु लीड रोल में है। डीनो ने आदित्य का रोल किया, विपाशा ने संजना का। ये नाम आपको पहले से पता होंगे लेकिन इन दोनों के अलावा फिल्म में मालिनी शर्मा भी हैं। इन्होंने रोल निभाया है आदित्य की एक्स गर्लफ्रेंड का, अरे वही जो भूत बनकर आदित्य और संजना को परेशान करती है। राज के बाद मालिनी ने इंडस्ट्री छोड़ दी, यहाँ तक कि साइन की हुई फिल्म गुनाह भी उन्होंने शूट से 2 दिन पहले ही छोड़ दी। इसके बाद उनकी जगह विपाशा को लिया गया। रामसी ब्रदर्स को जानते हैं? 80 के दशक में उन्होंने कई हॉरर फिल्में बनाई। उनकी ही एक एरोटिक हॉरर फिल्म है वीराना, इसमें जैस्मिन ने कई बोल्ड सीन्स किए। उनका चेहरा उस समय लोगों के दिमाग में छप गया था लेकिन इस फिल्म के बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गई। इस पर कई थ्योरीज चलती हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसी भी खबर आती है कि बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। वो कुछ समय के लिए विदेश चली गई थी फिर भारत लौटी, हालांकि इस सबकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आयुष्मान खुराना की एक फिल्म है नौटंकी साला, इसमें कुणाल रॉय कपूर हैं, अभिषेक बच्चन का भी कैमियो है, साथ ही फीमेल लीड निभाया था पूजा साल्वे ने। इन्हें आपने लक्स और कैडबरी के एड्स में भी देखा होगा। नौटंकी साला के अलावा वो और किसी फिल्म में नजर नहीं आई। मनारा चोपड़ा, विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म है जिद, इसमें प्रियंका और परिणीति चोपड़ा की कजिन मन्नारा चोपड़ा ने काम किया था। ये उनकी इकलौती हिंदी पिक्चर है। इसके बाद वो कई सारी तेलुगु फिल्मों में भी दिखी पर बॉलीवुड में उनका लौटना नहीं हुआ। उनकी दोनों बहनें लगातार इंडस्ट्री में सक्रिय हैं लेकिन मन्नारा के दिन नहीं बहुरे। ये पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार की थी मेरे साथी अनुभव ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। घी मिलना आसान है, पानी मिलना मुश्किल। कैसे आनंद जी, मेरी मम्मी का या चलेगा, मेरा या चलेगा, हमारे और आते ऐसे चलेगा। ये सब जो बाहर उठाने से जिसका बच्चा गिर गया।